सरसंघ चालक जी ने जताई लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा है कि संविधान में राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पर मौजूदा दौर आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं लग रहा। दुनिया की संपत्ति कुछ घरानों तक सीमित होकर रह गई है, जबकि अधिकाधिक आर्थिक स्वावलंबन उद्यमिता की प्रवृत्ति से आता है। देश के विकास के लिए लघु उद्योग को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए श्री भागवत जी ने कहा कि उद्योग व्यापार के संबंध में सभी से चर्चा करके ही सत्ता पक्ष को निर्णय लेना चाहिए। लघु उद्योग भारती के रजत जयंती वर्ष के अंतर्गत रेशिम बाग स्थित सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर अपने विचार रखते हुए श्री भागवत जी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग जितने बढ़ेंगे, मनुष्य उतना आर्थिक स्वतंत्र होगा। ऐसे में इस दिशा में समग्र और विकेंद्रित विचार होना चाहिए। उद्योग, कृषि और व्यापार, इन तीनों क्षेत्रों का एक साथ विचार करने पर संपत्ति अर्जित होकर समृद्धि आएगी। संपत्ति का मतलब मुद्रा नहीं, बल्कि जीवन चलाने वाली साधना सामग्री है। लघु उद्योग क्षेत्र को संगठित होना होगा। इसके लिए देश का वैचारिक व मानसिक वातावरण बदलना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता का उद्योग बढ़ने से नागरिक आर्थिक तौर पर भी स्वतंत्र होंगे। इसके लिए संतुलित ढंग से एक समग्र योजना बनानी होगी। इस दृष्टि के आधार पर लघु उद्योग के क्षेत्र के लिए पोषक वातावरण बनाना ही लघु उद्योग भारती का लक्ष्य होना चाहिए। भागवत जी ने आगे कहा कि उद्योग क्षेत्र का जितना विकेंद्रीकरण होगा, उतना ही शोषण कम होकर पर्यावरण को नुकसान भी कम पहुंचेगा। डॉक्टर हेडगेबार और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेबार ने पूंजी मुक्त विश्व की संकल्पना रखी थी, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आर्थिक स्वतंत्रता का सिद्धांत रखा था। दोनों की संकल्पनाएं एक ही हैं और इसका विचार करते हुए लघु उद्यम के जरिए अंतिम घटक तक पहुंचना चाहिए। यह काम लघु उद्योग भारती को करना है। आयोजन के दूसरे दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी की उपस्थिति में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि यदि भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनना है तो इसके लिए नए उद्यमियों को रोजगार परक उद्योग लगाने को आगे आना होगा तथा आयात को कम व निर्यात को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि पहले देश की 80% आबादी गाँव में निवास करती थी, जो आज घटकर 65% रह गई है। इससे निपटने के लिए कृषि क्षेत्र को मजबूत कर ग्रामीण पलायन को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि आज विश्व में समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद सब अवधारणाएं ध्वस्त हुई हैं और पंडित दीनदयाल जी द्वारा दी गई अंत्योदय की भारतीय अवधारणा ही मानव जाति का कल्याण करेगी। हमारे देश के युवा नौकरी करने की जगह उद्यमिता को अपनाकर नौकरी देने वाले बने। राजधानी दिल्ली में ज्ञानोत्सव 2076 का आयोजन। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के तत्वावधान में राजधानी दिल्ली में आयोजित किए जा रहे ज्ञानोत्सव 2076 में देश में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन व प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। आयोजन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, शिक्षा की गुणवत्ता, मूल्यपरक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, नवाचार, छात्रों का व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण तथा शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। ज्ञानोत्सव में भारत रत्न सी सुब्रमण्यम सभागार राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र पूसा परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का शिक्षा में भारतीयता विषय पर उद्बोधन हुआ। डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भारतीयता को शिक्षा का अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि शिक्षा भारतीयता की पोषक रही है। शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है कि वो पूरी तरह शासन के अधीन नहीं है अपने भारत में तो, और बहुत अधिक अभी भी शिक्षा समाज के हाथ में है। इसलिए उस एक क्षेत्र में परिवर्तन सरकार अपनी गति से चलेगी। अब नई शिक्षा नीति अभी आई है, शुरू करने का काम तो बहुत पहले प्रारंभ हुआ था, लेकिन सरकार में समय लगता है।
तो वो अपनी गति से चलेंगे, लेकिन समाज अगर मन में ये लाएगा कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए तो शिक्षा में परिवर्तन होके रहेगा। और इसलिए ऐसे प्रयोगों को संकलित करना, उनको प्रोत्साहन देना और धीरे धीरे ये वातावरण बनाना और सबको उसमें जोड़कर शिक्षा में वांछित परिवर्तन लाना, ये शिक्षा में परिवर्तन लाने का सही रास्ता है, ऐसा मुझे लगता है। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण, स्वामी अमृत स्वरूपानंद पुरी जी, दीनानाथ बत्रा, अतुल भाई कोठारी, इग्नू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। आयोजन में देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपति व गणमान्य शिक्षाविद उपस्थित रहे।